गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और ऊपर वाले कृपा से मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अभी मैंग रेडी हो गए हैं, रेडी कर दिया मैंग का, लंच वगैरह पैक कर दिया है। बस मैंग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रहे हैं। और अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। और गाइस, आज कृष्णा स्कूल नहीं गए, कल किसान ने इतनी सारी काइट उड़ाई, वो इतना थक चुका है, इस टाइम बिल्कुल उठने को नाम ही नहीं ले रहा है, वो स्कूल गया ही नहीं आज। अभी बस मयंक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर मैं मयंक को छोड़ कर आती हूँ स्कूल। मिस कर लो बेटा, टीवी में तो ऑन करो। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। चलो। और आज मैंने मयंक के लंच के लिए बनाई है लेडी फिंगर की सब्जी विद पराठा। पराठा नहीं, रोटी बनाई है। पराठा मयंक को पसंद नहीं है, इसलिए मैं मतलब सभी के लिए तो पराठा बनाऊंगी, बट मयंक के लिए रोटी बनाई है। क्योंकि मयंक, जब भी मैं लंच में मयंक को पराठा देती हूँ ना, मयंक हमेशा फिनिश नहीं करता, छोड़ कर आता है। इसलिए मैंने रोटी, मैंने इसे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या रीजन है, तो बोल रहा मम्मा मेरे को पराठा पसंद ही नहीं है। अरे यार, पसंद नहीं तो ये बोल दो ना। मतलब अब मेरे को पता चला कि मयंक को पराठा पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने लेडी फिंगर के साथ रोटी बनाई है, नहीं तो लेडी फिंगर के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। चलो गाइस, अभी मयंक को छोड़ने के लिए जाऊंगी मैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी इस बहाने। सो गाइस, मैं मयंक को छोड़कर आ गई थी, देन उसके बाद मैंने घर की साफ सफाई की, उसके बाद मैं जस्ट अभी नहाकर आई हूँ। नहाकर आने के बाद आज मुझे जाना है मंदिर, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। क्योंकि जो अभी अधिक मास चल रहा था ना सावन के महीने में, वो आज समाप्त हो चुका है, तो इसलिए मेरे को आज मंदिर जाना है, तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो चलिए फटाफट तैयार होती हूँ, जाती हूँ मंदिर। पूजा की थाली रेडी हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ मंदिर। मैं फ़ोन लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी मंदिर में, तो फ़ोन में यहीं पर छोड़ कर जाऊँगी। चलो अब जाती हूँ मंदिर। गाइज, तो गाइज ये शाम का टाइम है और मेरा डिनर बन चुका है। डिनर में मैंने बनाया है आज, मतलब जो बैंगन होते हैं उसको भर के बैंगन बनाए हैं और रायता बनाया है, साथ में चपाती के लिए आटा गूंथ दिया है। देखो मुझे पसीना कितना आ रहा है। मैं कर रही थी किचन की सफाई, मैं सोची थी आज दिन में मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, शॉर्ट वीडियो का अब कर लूँ, लेकिन अब ना ऐसा हो रहा है कि हाँ किचन वगैरह साफ़ करके इस टाइम थोड़ा सही लगता है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कपड़े वगैरह का काम रहता है, तो इसलिए मैंने अभी अपनी किचन साफ़ कर दी। और अब तो मुझे मतलब अभी रायता बनाना है। और आज सुबह से लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, फ्रिज भी नहीं चल रहा था हमारा। तो देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है किचन में। और आज कृष्णा और श्यामा की डिमांड लगी हुई है, उधर पापा लेके बैठे दोनों को पढ़ाई करने के लिए, दोनों मेरे पास आ रहे बार बार के मम्मा आप बोल दो पापा से थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर लें, अभी तो ट्यूशन से आए हैं, फिर बाद में पढ़ लेंगे। मैंने कहा मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो। तो देखो गाइस, दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये मैंने अचारी बैंगन बनाए हैं आज, अचार के मसाले डालकर बीच में बैंगन भर के उसमें बनाए हैं मैंने। इधर आटा गूंथ दिया है, इधर लौकी बॉईल कर दी है, रायता बनाऊंगी अभी बाद में थोड़ी देर में। और किचन बिल्कुल साफ हो गई है, देखो चमक गई बिल्कुल किचन। हेलो गाइस, तो गाइस आज मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, बस मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया, क्योंकि आज हमारे घर की जो लाइट थी ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बिजली वाले भाई को कॉल भी किया, वो नहीं आ रहे हैं, अभी बोल रहे हम कहीं और हैं, लाइन वगैरह जोड़ रहे हैं। और पास में इलेक्ट्रिक की शॉप है, वहाँ भैया को बुलाया तो भैया बोल रहे कि अभी थोड़ी देर में आऊँगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। बहुत ज़्यादा लाइट परेशान कर रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, पूछो मत, उमस वाली गर्मी हो रखी है। तो चलिए इस ब्लॉग का तो एंड में यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।